जैन समाज में एकता और संगठन बनाए रखने के आशय से विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। जैन समाज में एकता बढ़े वैसे आशय से लेखक जय वसावड़ा तथा यूके इंटरनेशनल वेजिटेरियन एंड वीगन सोसाइटी द्वारा विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया था। हाल ही में जैन के पवित्र तीर्थ स्थल वैसे समेत शिखर तथा शत्रुंजय गिरिराज की रक्षा के लिए विश्व भर के जैन द्वारा आंदोलन का रास्ता अपनाया गया है। ऐसे में जैन समाज को एकजुट होकर किस प्रकार से समस्या का समाधान लाया जा सके, जैन में एकता बढ़े वैसे आशय से क्या करना चाहिए, उसके लिए कटार लेखक तथा 12,000 से भी अधिक जाहिर व्याख्यान देने वाले जय वसावड़ा द्वारा विशेष आमंत्रण के ध्यान में रखते हुए व्याख्यान का आयोजन किया गया। उसी के साथ इंटरनेशनल वेजिटेरियन और वीगन सोसाइटी के नितिन मेहता भी उपस्थित रहते हुए इस संदर्भ में व्याख्यान दिया था। आज वडोदरा शहर में अंदर जैनों की एकता विषय ऊपर संजय भाई शाह और विद्या भाभी एक सरस मजानो प्रोग्राम करो और बधाज जैनों वडोदरा शहर ना तमाम ट्रस्टीओ जुदी जुदी संस्थाओं अग्रणी कार्यकर्ताओं लीडर बोलाव आ कार्यक्रम में बे मुख्य वक्ता हता, एक हता जय वसावड़ा अने बीजा अपनी साथे छे ए मेहता साहेब नितिन भाई मेहता ए अमेरिका यूके थी आया छे। यूके नी अंदर एक संस्था सरस मजानी चलावे छे जे वेजिटेरियन लोको माटे काम करे छे। अपने ये संस्था शू काम करे छे अने केवा प्रकारना एमना प्रकल्प छे ए बे मिनिट में पास थी जाए। खूब आभार तमारो। अपने यूके में अमा हूँ जयरे स्थायी थो आज 40 वर्ष थी गया तो ते दरमियान जे अमुक प्रश्नों अपनी जे समाजना था एमा एक प्रश्न तो आहारनो कि जी रीते आप बाड़कों स्कूलों में जाए तो एमने शाकाहारी आहार न तो मैं એ ઝુંબેશ અમે શરૂ કરી અને પછી ધીમે ધીમે આ કાર્યક્રમ આગળ વધતો ગયો અને અનેક કાર્યક્રમો થયા અને અમે કોલેજીસ યુનિવર્સિટીઝમાં જઈએ છીએ વેજિટેરિયનિઝમ ઉપર ટોપ લેવા અને આજે એમ નથી કહેતો કે ફક્ત અમારી મહેનતથી પણ અમારા જેવા અનેક અંગ્રેજોની મહેનતથી આજે લાખો અંગ્રેજો વેજિટેરિયન થઈ ગયા છે અને હજારો અંગ્રેજો આપણી ધર્મને અપનાવવા તૈયાર છે, આપણી વાનગીઓ બનાવતા શીખી ગયા છે, ઘણા તમને રોટલી શાક પણ બનાવી દેશે, આપણા બધા મસાલા એ લોકોને હવે એમને ખબર પડી ગઈ છે, એટલે ઘણું એવું કામ થઈ ગયું છે। તે ઉપરાંત દયાનું મોટું કામ કરી રહ્યા છે, ત્યાં પાંજરા કોર્ટ પણ ચાલી રહ્યા છે, ત્યાં પ્રાણીઓના હક વાસ્તે મોટી લડાઈઓ લડી રહ્યા છે, એવી એવી વ્યક્તિઓને અમે યાદ કરીને મહાવીર એવોર્ડ આપીએ છીએ। તો એ મહાવીર એવોર્ડ તેઓ લોકોના ઘરે રાખી અને ખૂબ જ ખુશ થાય છે અને એમને ખ્યાલ આવે છે કે આ એક જૈન ધર્મ એવો છે કે આવી દયા અને અનુકૂપાની વાત હજારો વર્ષ ત્યાં કરી રહી છે। આપનું નામ? નીતિન મહેતા।